इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा, जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन में पैसा चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह से टेक्निकल इश्यू का समस्या मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस समस्या को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, आपको समस्या क्यों देखने को मिल रहा है, तो वीडियो पूरा वॉच करना होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन यहाँ ओपन करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस समस्या को 100% मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ चेक बैक बैलेंस पे क्लिक कर देना होगा। मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है, मैं अपना UPI पिन डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ ओके क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरह से फेचिंग बैंक बैलेंस लोडिंग ले रहा है, और देख सकते हैं लिख दिया है अनेबल टू फेच बैंक बैलेंस। उसके बाद टेक्निकल इशू का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, देख सकते हैं टेक्निकल इशू का एरर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका बैंक जो भी है, बैंक आपका यहाँ शो कर रहा है, उसके बाद नीचे लिखा है देयर्स ए टेक्निकल इश्यू एट योर बैंक, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। उसके बाद रिट्राई का UPI का पिन का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो बार बार हमें समस्या देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि समस्या क्या है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 अप्रैल से जो मेंटेनेंस में चल रहे हैं, जैसे कि साल में एक बार 1 अप्रैल को सारे बैंक मेंटेनेंस में चलते हैं, ठीक है। कुछ उसमें रख रखाव, कुछ सिस्टम अपग्रेड वगैरह होता है, उसी को मेंटेनेंस बोलते हैं। तो टेक्निकल इशू इसलिए मिल रहे हैं, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ही यह टेक्निकल इशू मिल रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको वेट करना है। जैसे सर्वर ठीक होगा, मैं इस चैनल के माध्यम से दोबारा आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, या आपको दोबारा से ट्राई करते रहना है, रिट्राई UPI पिन पर क्लिक करके अभी करते रहना है। शाम तक आपको दोबारा से इसे रिट्राई करना है, दोबारा एक बार चेक करना है, उसके बाद आपका पैसा चेक करना शुरू हो जाएगा। आप पैसा भी भेजने की कोशिश करेंगे तब भी आपको जो कुछ है इस तरह का UPI पिन इस नोट से का बताएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं किसी भी पैसा यहाँ भेजता हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से UPI इशू एट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस तरह का भी आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको वेट करना है शाम तक, ठीक है। समस्या ऑटोमेटिकली बैंक की तरफ से ठीक हो जाएगा, और आपको आज शाम तक नहीं होता है तो कल कन्फर्म है समस्या ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको वेट करना है। आप दोबारा से ट्राई करते रहना है शाम तक, जब कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा जो भी है सेफ है, आपका पैसा में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, जो भी आपका पैसा है वो पैसा आपका पूरा मिल जाएगा, और आपका जो भी चेक वगैरह बैलेंस का एरर मिल रहा है वो आपका बैलेंस भी चेक होना शुरू हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि जैसे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस आप अपना जो धैर्य रखें, धीरे धीरे समस्या आराम से शाम तक ठीक हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा।